अब तक तो इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने पर उन्हें सील कर रहा है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया और नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया गया तो बेसमेंट में बनी दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। अब तक करीब 100 बिल्डिंग में बेसमेंट सील करने की कार्यवाही की गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। यातायात को बेहतर बनाने की दृष्टि से इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम ऐसी बिल्डिंग के बेसमेंट के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है जो नक्शे में पार्किंग के लिए स्वीकृत है, लेकिन वहां दुकानों का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। पिछले 20 दिनों में संयुक्त दल ने करीब 100 बिल्डिंग के बेसमेंट सील किए हैं जहाँ पार्किंग न होकर दुकानें बनी थी। दुकानें सील होने के बाद बिल्डिंग संचालकों ने अपने बेसमेंट पार्किंग में तब्दील करने के लिए शपथ पत्र दिया था। शपथ पत्र में 15 दिनों में तब्दील करने की बात कही थी, लेकिन अभी भी कई बेसमेंट में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे सभी बिल्डिंग संचालकों को इंदौर कलेक्टर ने अंतिम चेतावनी देते हुए नक्शे के मुताबिक पार्किंग निर्मित करने के आदेश दिए हैं। यदि इनका पालन नहीं किया गया तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, बेसमेंट पे जो कार्रवाई हो रही है उसका उद्देश्य ये है कि जो जगह पार्किंग के लिए प्रयोग होनी थी वो किसी अन्य चीज़ के लिए प्रयोग हो रही है और जो ट्रैफिक में बाधा का कारण बन रही है, इसलिए जितने भी बेसमेंट जो पार्किंग के लिए यूज़ होने थे उन सबको हमने नोटिस दिया है कि उनको वापस पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए। हमने पहले अखबार के माध्यम से एक जनरल नोटिस जारी किया, उसके बाद सभी को व्यक्तिगत नोटिस भी दिए गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नोटिस के बाद भी जो बेसमेंट है वो पार्किंग में कन्वर्ट नहीं किए, इसीलिए मजबूरन हम लोगों को उन्हें सील कराना पड़ रहा है और सील करके हम एफिडेविट लेके उसको खोल रहे हैं जिसमें संबंधितों के द्वारा ये एफिडेविट दिया जाता है कितने दिनों में उनके द्वारा इसको पार्किंग में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो जो मुख्य उद्देश्य है वो पार्किंग में कन्वर्जन है जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से एक टीम भी बनाई गई है इंजीनियर्स की जो इस चीज़ को सुपरवाइज कर रही है, और अगर 15-20 दिन या एफिडेविट में जो समय सीमा लिखी है अगर उसमें पार्किंग में वापस कन्वर्ट नहीं किया जाता उस जगह को तो उसको तोड़ने की भी उसको वापस सील करने की कार्रवाई भी करी जाएगी, या फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसे भवन जो बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सील कराने के बाद भी वो पार्किंग में वापस कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो नियमों के अनुसार उनको तोड़ने की भी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा करी जाएगी। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि अब तक 130 से अधिक मल्टी के बेसमेंट सील किए गए हैं, वहीं 30 से अधिक मल्टी संचालकों ने बेसमेंट में पार्किंग बनाने का काम भी शुरू किया है। जल्द ही अन्य बेसमेंट में भी पार्किंग का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। सर के निर्देशानुसार जो शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और पार्किंग स्थानों का उपयोग हो इसके मद्देनजर जो कार्रवाई चल रही है उसमें ऐसे भवन जहां पर बेसमेंट का उपयोग पार्किंग के लिए स्वीकृत था या गोडाउन के लिए स्वीकृत था लेकिन उसका अन्यत्र कमर्शियल उपयोग हो रहा है, ऐसे 130 बिल्डिंग्स को हम लोगों ने सील किया है और ये कार्रवाई आज भी जारी है। आज भी कुछ भवनों को सील किया जा रहा है और कोशिश यही है कि इन सभी जो बेसमेंट्स हैं उसका उपयोग उसके स्वीकृति के हिसाब से ही हो। तो हम जहां अभी ऐसे करीब 30 के लगभग भवनों की सील खोली भी गई है जब उनके भवन मालिक ने एक एफिडेविट दिया कि हाँ वो अब इस बेसमेंट का उपयोग उसके चिन्हित उपयोग मतलब जो स्वीकृत उपयोग है उसके लिए ही करेंगे। उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है कि वहाँ पर रैम बनाकर या जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिससे पार्किंग हो सके वो बना भी रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम उन पर प्रॉपर साइनेज लगा के पार्किंग का और इन्फोर्समेंट करें कि जो वाहन उन भवनों के आसपास है वो उसी भवन के बेसमेंट में जाएं। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। जो भवन हम लोग की सील खोली जाती है उसके लिए एक सीनियर इंजीनियर्स की कमेटी बनाई गई है जो जाके देखे कि भाई जो पार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो रैंप है लाइटिंग है इस तरह की व्यवस्था जो वो कर रहे हैं वो सही प्रकार से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ताकि उसका भविष्य पार्किंग के लिए उपयोग हो सके। निगम और जिला प्रशासन की इस कार्यवाही का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। कुछ बिल्डिंग संचालकों ने बेसमेंट में बने स्टोर रूम या दुकान हटाकर वाहन पार्किंग स्थल निर्मित कर दिए हैं, हालांकि यह काफी कम संख्या है। यदि शहर की 50% बिल्डिंग में भी पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है तो शहर में यातायात सुगम हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।